हेलो बेटा, ये जो अभी मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो करा था, ये उसी के कंटिन्यूशन का वीडियो है। वो एग्जांपल बनाते हो उसमें, वो वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है, 3 3 -1 -2 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। हमें इस मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स हमें पता करनी है, उन कंडीशन क्या है, उस दो मैट्रिक्स में से एक कौन सी होनी चाहिए सिमेट्रिक और दूसरी कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैसे पता चलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होगी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी वो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होगी। तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकालें। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब हमने पी करा, एक हमने मैट्रिक्स पी ली, वो है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी हम इन दोनों को ऐड करके हाफ करें। ए और ए ट्रांसपोज को हम ऐड कर रहे हैं, 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 1 और -1 और -4 -5, -2 और 3 1, -2 -2 -4 1 और -5 -4, -4 -1 -5 -5 और 1 -4 2 और 2 4। आप समझिए, ये जो आप जानते हैं कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है अंदर पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, दैट इज 2 से हर एक एलिमेंट डिवाइड हो गया। तो हमें एक मैट्रिक्स पी ये मिल गई। हमें ये शो करना है कि ये मैट्रिक्स पी क्या है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आना चाहिए। तो हमने पी का ट्रांसपोज करा, पी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो आप देख रहे हैं पी के ट्रांसपोज को देखिए और इस पी को देखिए, तो आप देख रहे हैं ये सेम मैट्रिक्स है, दैट इज पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं पी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं क्यू, क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज 1/2, ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर रहे हैं, तो ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करेंगे, माइनस करिए ये आया दिस -1 -4 तो +3। तो माइनस करने पर ये हमें मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू आ गई, कर सकते हैं आप लोग। अब हम क्यू का ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि हमें ये शो करना है क्यू जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज करने पर हमें निगेशन मैट्रिक्स मिलती है। तो क्यू का हमने ट्रांसपोज करा, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बनाया और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बनाया। तो हम देख रहे हैं कि क्यू का जो ट्रांसपोज है, आप इसको देखिए और इसको देखिए, नजरें भर भर के देखिए, बहुत गौर से देखिए, जरा ध्यान लगा के देखो। तो आप देख रहे हो जिस पोजीशन पे यहाँ पर प्लस है इस पोजीशन पे यहाँ पर माइनस है, और जिस पोजीशन पर यहाँ पर माइनस है उस पोजीशन पर यहाँ पर प्लस है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है हर जगह पर, तो हम ये कह सकते हैं कि क्यू का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ क्यू है। तो क्यू कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने आधा काम कर लिया, हमने एक पी मैट्रिक्स निकाल ली, एक क्यू निकाल ली, ये शो कर दिया पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमें ये शो करना है कि पी और क्यू को सम करने पर हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये हमारी पी है और ये क्यू है। ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती ये करते हैं, पी तो सही ले लेते हैं लेकिन क्यू के जगह पर वो अक्सर क्यू ट्रांसपोज ले बैठते हैं, क्योंकि अगर पी ट्रांसपोज भी कंसीडर कर लोगे सेम रहेगा, इसलिए यहां पर नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पी और क्यू प्लस करो, 3 में 0 प्लस करा 3, हाफ में 5/2 प्लस करा 6/2 3, -5/2 में +3/2 प्लस करा -1, 1/2 में ये प्लस करा -2, -2 में ये 0 प्लस करा -2, ये आ गया 1, -5/2 में -3/2 करा -8/2, -4, -2 -3 -5, 2 और +0 2,
और इसको देखिए, तो आप देख रहे हैं ये जो है और ये एक ही चीज, यानी p प्लस क्यू को क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारी मैट्रिक्स हो गई जिसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहां सिमेट्रिक होगी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक होगी हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, अब तक हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर मैट्रिक्स की थर्ड एक्सरसाइज को कवर अप कर चुके हैं। आप लोगों से ये उम्मीद है जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो साथ साथ इसको कवर करते चले हैं। जो मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स की होम डिलीवरी दे रहा हूं इसको पूरा यूजफुल करिए। देखिए, एक तरफ तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम कैसे करें, कोचिंग नहीं खुल रही है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, हम कैसे करें, एक चीज। दूसरा आप ये सोच सकते हैं जो आपको सोचना चाहिए और जो सही भी है, स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, कोचिंग भी नहीं खुल रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम है। आप पुराना समय देखिए, जब आप लोगों के स्कूल खुलते थे, आप सुबह जाते थे स्कूल जा रहे हैं, फिर शाम को इवनिंग स्कूल में जा रहे हैं, इस तरीके से पूरा टाइम जो आपका इन्हीं में भागा दौड़ी में बीत जाता था। वर्तमान समय में हमें इन चीज़ों से नहीं करना है। तो आप मेन चीज़ जो है, जो इस समय आपको मिल रही है, जो शायद आपसे पहले भी कई सारे किसी विद्यार्थी को नहीं मिली होगी और आपके बाद भी जितने स्टूडेंट्स आएंगे किसी बैच को नहीं मिलेगी, सेल्फ स्टडी का टाइम। तो इसको आप करिए, यही आपकी की सक्सेस है। या तो आप अपनी जो इस समय की प्रॉब्लम है उसको ऊपर रखें, या जो इस समय आपको मौका मिल रहा है उसको ऊपर रखें। तो आप लोग साथ साथ मेरे एनसीईआरटी साथ साथ करते जाइए। एक्सरसाइज नंबर 0.3 तक हम इस वीडियो के बाद जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तब तक आपकी 0.3 फिनिश हो जानी चाहिए। फिर हम इसके बाद में एक असाइनमेंट देंगे, मिक्स क्वेश्चन देंगे मैट्रिसेस के, उस क्वेश्चनों को हम सॉल्व भी कराएंगे। पहले मैं आपको एक असाइनमेंट हम दे दूंगा कि आप उसको सॉल्व करिए, फिर हम पूरे उस सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे वीडियो में, और जिससे आप देख पाएंगे कि आपकी क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। तो इतना रखते हैं, और पिछले वीडियो और इस वीडियो को एक साथ देखिएगा, तो क्योंकि ये उसी के कंटिन्यूशन है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।